दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर 3,01,152 दिए जलाए गए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इसके बाद सीएम योगी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी ने सरयू आरती में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। हर व्यक्ति देख रहा है, जान रहा है अयोध्या क्या चाहता है। अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। सरयू घाट पर एक लेजर शो भी हुआ, जिसके जरिए भगवान राम की आकृति दिखाई गई। योगी के कार्यक्रम में भाषण के दौरान लोगों ने मंदिर निर्माण के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का ऐलान किया है। अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीप उत्सव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जिले की पहचान श्री राम से है, इसलिए फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जाएगा। तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए। यूपी सरकार अयोध्या में मेडिकल कॉलेज बनाएगी, जिसका नाम राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज होगा, जबकि एयरपोर्ट भगवान राम के नाम पर बनेगा। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पहले केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और बाद में चीन की सीमा पर हर्षिल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे के करीब केदारनाथ पहुंचेंगे। मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री केदारपुरी में पुनर्निर्माण परियोजनाओं का जायजा लेंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी हो गई है, ड्यूटीज हमने लगा दी हैं। हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम है उसके तहत जो कार्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जिधर वीवीआईपी मूवमेंट है वो रास्ता क्लियर है। 1.5 से 2 घंटे का टाइम है जो कि यहाँ पर रहेगा। प्रधानमंत्री 2 साल पहले भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ITBP के जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गयोरुल हसन रिजवी ने अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में न तो मस्जिद बन सकती है और न ही वहाँ कभी नमाज हो सकती है। जितनी जल्दी राम मंदिर बना दिया जाएगा उतनी जल्दी ये बात खत्म हो जाएगी और देश में सद्भाव का वातावरण पैदा होगा और जो माइनॉरिटी को सेफ गार्ड देने की बात है उनको सेफ गार्ड भी मिल जाएगा। आयोग ने राम मंदिर पर 14 नवंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में राम मंदिर के मुद्दे पर आयोग के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी। रिजवी ने कहा कि अगर कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आयोग को पार्टी बनना पड़ा तो वो बनने को तैयार है। कर्नाटक के उपचुनाव में कांग्रेस और JDS का गठबंधन BJP पर भारी पड़ा। 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में गठबंधन को 4 सीटें मिली, जबकि BJP को सिर्फ 1। बेल्लारी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के VS उग्रप्पा ने जीत हासिल की। पहले ये सीट BJP के पास थी। शिवामोगा लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे और BJP उम्मीदवार BY राघवेंद्र को जीत मिली। मंड्या लोकसभा सीट पर JDS के LR शिवराम गौड़ा को जीत मिली। रामनगरा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की पत्नी और JDS उम्मीदवार अनीता कुमारस्वामी ने जीत हासिल की, जबकि जामखंडी सीट पर कांग्रेस के AS न्याम गौड़ा को जीत मिली। उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य 2019 के चुनाव में राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने का है। दिस रिलेशनशिप मस्ट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड our main intention is to get all the 28 Lok Sabha seats in 2019 parliament election. जम्मू कश्मीर के शोपियन में आज सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ शोपियन के जैनापोरा गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। दोनों आतंकी मोहम्मद इदरीस सुल्तान और आमिर हुसैन सेना के कैंपों पर हुए हमलों में शामिल थे। इदरीस सुल्तान इसी साल अप्रैल में सेना से भागकर हिजबुल में शामिल हो गया था। आतंकियों के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने रविवार को भी शोपियन में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF के जवानों ने आज छोटी दिवाली मनाई। जवानों ने अखनूर सेक्टर में सरहद पर लक्ष्मी पूजन किया, फेंसिंग पर दियों से रोशनी की,
उसके बाद मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी भी की। वहीं जम्मू के बारामूला बॉर्डर और पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों ने लक्ष्मी पूजन किया और भजन कीर्तन करके दिवाली मनाई।